और अब बड़ी खबर उदयपुर से आपको देंगे, जहां पर दो पिंजरों में दो अलग अलग तेंदुए कैद हुए हैं। वन विभाग ने आसपास लगाए थे 9 पिंजरे, दो तेंदुए पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तेंदुए को सुरक्षित जगह पर छोड़ने की तैयारी है, तेंदुए के आदमखोर होने की पुष्टि की जाएगी। तो फिलहाल आपको जानकारी हम दे दें, उदयपुर से ये बड़ी खबर है। ये वो दो तेंदुए हैं जो दो अलग अलग पिंजरे में कैद हुए हैं। इससे पहले तेंदुए ने तीन लोगों पर अटैक किया था, तीन लोगों पर हमला किया था, और दो तेंदुए पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। यहां तक कि सेना तक को इस ऑपरेशन में शामिल होना पड़ा था। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी और कई दिन से कोशिश की जा रही थी कि ये तेंदुए पकड़े जाएं, क्योंकि ये तेंदुए आदमखोर हो गए थे, जिसकी वजह से ये हमले कर रहे थे और ग्रामीणों में डर का माहौल था। अब दो पकड़े गए हैं, दो अलग अलग पिंजरे, 9 पिंजरे वन विभाग ने लगाए थे और जिसमें से दो पिंजरों में ये तेंदुए कैद हुए हैं। अब तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन अब जो है आगे तेंदुए के आदमखोर होने की पुष्टि की जाएगी और उसके बाद जो है देखना होगा वन विभाग इन तेंदुओं को कहाँ छोड़ती है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती जरूर है। कपिल श्रीमाली संवाददाता इस वक्त उदयपुर से लाइव हमारे साथ है। कपिल, देखिए राहत की बात है, दो तेंदुए दोनों ही पकड़े गए हैं, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो तीसरी महिला का तेंदुए द्वारा शिकार किया गया था छाली गांव के पास में, जो खेत में काम कर रही थी, उस पर तेंदुए ने अटैक किया और लगभग आधे से ज़्यादा शरीर उसका खा लिया था। उसके आसपास में पिछले कुछ दिनों में जो तेंदुआ था उसका मूवमेंट देखा गया और उसी के आधार पर वहां पर भी पिंजरे लगाए गए थे। कुल 2 से 3 किलोमीटर के एरिए में 9 पिंजरे लगाए गए थे और जहाँ पर तीसरी महिला पर अटैक किया गया था वहाँ पर जो पिंजरे लगाए गए थे उनमें दो पिंजरों में दो अलग अलग तेंदुए कैद हुए हैं। शिकार की तलाश में ये अभी भी घूम रहे थे और इसी दौरान वहां जो दो पिंजरे लगाए थे उन दो पिंजरों में दो अलग अलग तेंदुए कैद हो गए। अब वन विभाग ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि वो शिकारी तेंदुआ कौन सा है, वो नरभक्षी तेंदुआ कौन सा है जो लगातार लोगों पर अटैक कर रहा था, तीन लोगों की जान ले चुका था और उसके बाद भी जो पशु आसपास के थे उनका शिकार कर रहा था और वहां पर जो लोग घूम रहे थे उन पर हमले करने की कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल दो तेंदुए वन विभाग की पकड़ में आ चुके हैं, पिंजरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन अब ये पता लगाना विभाग के लिए जरूरी है कि इन दो तेंदुए में से आदमखोर तेंदुआ कौन सा है, क्योंकि आगे की जो रणनीति बनेगी वो आदमखोर तेंदुए के लिए बनेगी और जो तेंदुआ जंगल में ऐसे ही विचरण करते हुए शिकार की तलाश में, जंगली जानवरों के शिकार की तलाश में इस पिंजरे में कैद हुआ है उसे फिर से वन विभाग सुरक्षित इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि दो तेंदुए घूम रहे हैं, क्या इस बात की जानकारी पहले थी वन विभाग को? देखिए ये जो इलाका है जंगल का इलाका है और सिर्फ दो ही नहीं, यहाँ पर कई दर्जन तेंदुए जो है उनका विचरण लगातार होता रहा है। उदयपुर के आसपास के जो जंगल के एरिए हैं उनमें बताया जाता है कि 50 से ज़्यादा तेंदुए मौजूद हैं जो कि जंगल के क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और अपना पेट पालते हैं। और अब जो जंगल का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो उनका नेचुरल निवास स्थान है वहाँ पर वे लगातार विचरण करते हैं। इस बीच में आप देखिए कि लोगों की आवाजाही जंगल के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ी है और यही वजह है कि जो मैन अटैक के जो मामले सामने आने लगे हैं अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। आप देखिए करीबन 15 दिन पहले जाडोल के एक जंगल में हमने देखा कि एक महिला को सड़क से उठाकर तेंदुआ पहाड़ी पर ले गया और महिला का धड़ और सिर दोनों अलग अलग मिले थे। ये 15 दिन पुरानी घटना थी। उसके बाद में गोगुंदा में एक के बाद एक दो दिन में तीन लोगों का तेंदुए ने शिकार किया और जो जंगली जो पशु थे जो कि जंगल क्षेत्र में घास खाने के लिए जाते हैं उनका भी शिकार किया गया और जो लोग जंगल में अपने दूसरे कामों के लिए जाते हैं उन पर भी अटैक करने की कोशिश की थी। तो कई सारे जो तेंदुए हैं इस इलाके में विचरण करते हैं लेकिन वे सभी नरभक्षी नहीं हैं। उनका जो जंगल है उनका निवास स्थान है वहाँ पर उनका विचरण आम तौर पर जो है वो देखा जाता है, लेकिन कई बार जंगली जानवरों के या फिर पालतू जानवरों के शिकार के लिए रिहायशी इलाकों में इन तेंदुओं का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कपिल, और कहीं ना कहीं अब लोगों को भी ये समझने की जरूरत है क्योंकि जंगली क्षेत्र उनका है तो वहां पर जाकर थोड़ा सावधानी पूर्वक ही वो आगे का काम करें। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और इस बीच आगे बढ़ते हैं, कोटा से एक बड़ी खबर है। घर के बाहर खड़ी ई बाइक में आग लगी है, धुंधुकार ये पूरी बाइक जल गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से बाइक पूरी तरीके से जल गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक जिस पर आग लगी है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक है और इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने की ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके से घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पूरी तरीके से आग की चपेट में ये ई बाइक आ जाती है और पूरी तरीके से राख हो गई है। जैसे ही आग की लपटें दिखी तो लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया। पूरी बाइक जो है वो जल चुकी है, जो आपको साफ तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। धौलपुर के कंचनपुर के मठ नोहरा गांव में पशुओं को चारा डालने गए दलित युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। युवक की कनपट्टी में गोली पार होने से युवक की मौके पर मौत हो गई। फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर बदमाश दहशत फैलाते हुए खेतों में कूद कर फरार हो गए। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि मामला संदिग्ध है, बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है और मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। जांच के बाद ही वारदात का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाचा लड़का छोटा भाई बलवीर 9 बजे की बात है, वो भैंसों को चारा डालने के लिए गया था और जब ही अज्ञात लोगों ने आके चारा डालते थे उसमें गोली मार दी। गोली यहाँ से लग के इधर निकल गई और हम गोली की आवाज़ सुनते ही दूसरे घर से आए तो हम पड़े लड़के पे, लड़का देखा तो लड़के का उसमें गोली निकल चुकी थी। हम लड़के को लेकर इधर बाड़ी हॉस्पिटल के लिए आए, वो भाग गया पता नहीं। और अब खबर कोटा से है, जहां तलवंडी इलाके में बदमाशों और असामाजिक तत्वों का आतंक है। बदमाश आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। बदमाशों ने घर के दरवाजों को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश भी की है। हंगामे और गेट तोड़ने के प्रयास की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वारदात के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, हालांकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस अन्य फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है।